आज मैं आपके साथ हरे मटर की अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस अचार को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अगर आपको भी अचार खाना पसंद है तो मटर के अचार को एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। इस अचार को आप साल भर तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मटर का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 kg मटर लिया था और देखिए अच्छे से छील ली हूँ। तो चलिए अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो गैस पर एक बर्तन में पानी को गर्म होने दी हूँ। पानी देखिए गर्म हो रहा है, तो जब इस तरह से पानी में उबाल आ जाए तो आपको ये छीले हुए सारे मटर को इसमें डाल देना है। और ध्यान रखिए गैस का फ्लेम तेज़ ही रखना है और 2 मिनट इसे उबालना है। तो अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी डाल दिए हैं। चीनी डालने से ये मटर का जो कलर है वो बिल्कुल इसी तरह से बना रहेगा, खराब नहीं होगा। तो चीनी को अच्छे से मिला लीजिए और इसे 2 मिनट उबलने दीजिए। तो देखिए जैसे ही मटर आपका तैयार हो जाता है तो ये ऊपर आ जाएगा सारा सतह पे। तो इसे आपको फटाफट से निकाल लेना है। गैस का फ्लेम जल्दी से बंद कर दीजिए और मटर को निकाल लीजिए। मटर को निकालने के तुरंत बाद आपको बिल्कुल ठंडे पानी में इसे डाल देना है ताकि इसका पकने का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। आप फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी लीजिएगा। और अब मटर को देखिए हमने यहाँ पर कुछ देर बाद छान ली हूँ, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की जाली वाली छन्नी लीजिएगा और उसमें मटर को डालकर छान लीजिएगा। और अब इसे हम 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो सूख जाए, या फिर आप एक कपड़े से इसे पोंछ कर पानी सूखा भी सकते हैं। मैं तो इसे धूप में रख देती हूँ और जब तक इसका पानी सूख रहा है तब तक हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई को गैस पर रखकर गर्म कर लीजिए। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए, 1 चम्मच पीला वाला राई डाल दीजिए और 1 चम्मच यहाँ पर हमने सरसों डाल दिया है। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च डाल दीजिए, 1/2 छोटा चम्मच ही इसमें मेथी दाना डाल दीजिए। अब धीमी आंच पर इस मसाले को हमको बस 1 से 1.5 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा मत भूनिएगा। तो लगभग 1.5 मिनट मैंने मसाला को भूनी और ये भून चुका है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। तो देखिए हमने मसाला को ज़्यादा नहीं भूना है, बस हल्का सा भूनना है इसे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और होने दीजिए पूरी तरह से ठंडा। जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है हम अचार के लिए तेल को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम तेल लिया है, तो ये सरसों का तेल है। अचार में आप सरसों का तेल ही डालिएगा। तेल को अब अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। तो देखिए धुआँ आने तक आपको तेल को गर्म करना है। जैसे ही धुआँ आने लगे गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और तेल को होने दीजिए थोड़ा सा ठंडा। जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें हमने 2 चुटकी हींग डाल दिया है। और अब इस तेल को पूरी तरह से ठंडा होने देना है, तभी हमें अचार में इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए मसाला ठंडा हो चुका था, तो हमने इसे एक मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और इसे हम दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो मिक्सी को चलाकर और देखिए इस तरह से पाउडर तैयार कर ली हूँ। और मटर को लगभग 1 से 1.5 घंटे हमने धूप में रखा था, तो इसमें जो भी पानी लगा हुआ था वो सारा पानी सूख चुका है। तो चलिए अब हम इसका अचार बना लेते हैं। तो आप चाहें तो कपड़े से पोंछ कर भी पानी सुखा सकते हैं। अब ये सारे मटर को हमने यहाँ पर एक बर्तन में डाल दिए हैं और इसमें अब डाल देते हैं 1 चम्मच काला नमक डाल दिए हैं। अब 1 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं सफ़ेद नमक, जो कि हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं वही वाला नमक है। और यहाँ पर हम 1 चम्मच अजवाइन लिए हैं। अजवाइन को हाथों से इस तरह से रगड़ कर डाल दीजिए। और अजवाइन को आप पहले साफ भी कर लीजिएगा, उसमें पत्थर वगैरह है तो निकाल दीजिएगा। और यहाँ पर 1.5 चम्मच तीखा वाला लाल वाला मिर्ची का पाउडर डाल दी हूँ। और यहाँ पर 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। और अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच ये कलौंजी डाल दिए हैं। कलौंजी में भी पत्थर वगैरह होता है तो उसे चुनकर हटा दीजिएगा, तभी डालिएगा। और अब हमने जो ये अचार का मसाला जो भूनकर तैयार किए थे उसे डाल दिए हैं। और ये तेल को अब डाल देना है। तो तेल आप चेक कर लीजिएगा, ठंडा हो जाए तभी आपको डालना है। तो जितना भी तेल है सारा तेल डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ पर हम सारा तेल डाल दिए हैं। तो अचार में आपको इतना तेल डालना है कि जब इस अचार को आप किसी जार में भरे तो मटर के ऊपर तक तेल आना चाहिए, तो उतना तेल आपको डालना है। तो सभी मसाले को यहाँ पर अच्छे से मिला ली हूँ। तो देखिए मसाला अभी इसमें पता भी नहीं चल रहा है, पर इसे इस तरह से करके और 1 दिन के लिए आपको इसी तरह से रख देना है। तो इसे किचन में ही रहने दीजिए इस तरह से, इसमें और भी चीज़ें डालनी है।
एक दिन बाद मसाला देखिए फूल चुका है, तो अब इसमें हम बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 नींबू लिया है, तो नींबू के रस को निकाल कर और इसमें डाल देना है। आपको बीज नहीं डालना है, बीज को निकाल दीजिएगा। नींबू की जगह आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं ताकि हमारा अचार लंबे समय तक खराब ना हो। अब नींबू के रस को अच्छे से मिला लीजिए और ये देखिए अभी से ही ये कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो अब इसे हमें धूप में रख देना है, 7 से 8 दिन की धूप लगा लेनी है इसे। तो आपको प्लेट वगैरह से नहीं ढकना है इस बर्तन को, आपको ऊपर से एक पतला सा कपड़ा कॉटन का कपड़ा रख दीजिए और इसे धूप में रखकर 7 से 8 दिन की अच्छी धूप लगा लीजिए इसमें। अगर धूप नहीं है अच्छी वाली तो 10 से 12 दिन आप इसे धूप में रखिएगा। तो मैं यहाँ पर एक कांच के बर्तन में इसे रख देती हूँ और फिर इसे धूप लगा लूँगी। तो कांच के बर्तन में रखने से पहले जिस भी बर्तन में आप रख रहे हैं तो उसे पहले अच्छी तरह से धो लीजिएगा। धोने के बाद अच्छे से पानी पोंछकर और धूप में रखकर कांच के बर्तन को भी आप अच्छे से सुखा लीजिएगा, तभी आप अचार रखिएगा, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। और जब भी आप खाने के लिए अचार को निकालें तो एक सूखे साफ चम्मच से ही अचार को निकालिएगा, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हाथ भी इसमें नहीं लगाइएगा। तो अब इसे मैं धूप में रख दूंगी एक कपड़े से बांधकर और 7 से 8 दिन बाद इसे आप बंद करके जहाँ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक अचार खराब नहीं होता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे सारे मटर तेल में डूबे हुए हैं, तो इसी तरह से तेल में डूबे होंगे तभी अचार खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और आज की मेरी ये अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।